हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अपना लोग सकुके स्वागत जाना नतुन हेरी भिडिओले इतना गई आसो आम गाँव पुखुरी मास मार से मजल के देखा ना सकने चाहे बोली गई आसो अपना देखा जा अथनी पुखुर और तरपत भिडिओ कर मोर ए पोहरक लै मिली इतना आम गोटेख गई आसो अन्नप्रसन्न आम ऊरे अकमानी एटार तक खाने धुनक ऊल् गई मोक बार के लगे जाना दे बी अलग अन्नप्रसन्न अपना खाना देखा दी रहा पोहरक लो आज एक पार्टी जो ना विनेकुआ एक फर्स्ट टाइम है पोहर आज एनेक पार्टी ले उलाय जुआ ही जन्म हर पास मैं मोरू आज फर्स्टे है बाकी हाहक ना आज पारिम निचिना लगे और आज हो गल नेक्स्ट डे मर्निंग मैं क्या खाने बना भाई भाविल तक भिडिओ को रखो अपना बोले किसान आसलते बस्तु बनाय खाले देखुआ मन जाए देखुआ मानी कि भल लगे और बहुते तो किसान बस्तु आम एक स्टाइलते बनाए खाँ इतना मैं बनाबले लो सूजी एट निमखिया आइटेम कि मैक्सिमाम आम घर तो मैं सूजी सदा मिठा के बनाए खा जाए गति के निमखिया के मैं आज बनबले लो निमक यू एट नाम आस क्या मैं नाम तो ठीक नजानो सोने नक और भूलके बाकी के मैं बनबले लो अपना देखा जाऊँ प्रथम मैं बदाम कईटाम भाजि लैसो इतने मैं बदाम दीम तक स्टेप बै स्टेप देखा जाक प्रथम मैं बदाम भाजी ललो इतना तल कम सरह कला सरह हमें बेसि भल कि मोर ना सेकार बगा सरह दिल और सरह तल दिले बहुत जो फुटी जाए हेकार मैं लगे लगे ढाकन लगे दी सरह गल और इतना मैं इतने दी पिंज और कैसा जलकिया मैं चपार तो अक चप कर लो यह इतना मैं धुनिया के भाजी लम ये अकन गोल्डन ब्राउन हर लेकिन मैं भाजिल मैं इतने दीम कम नरसिंह पात नरसिंह पातखिनि करकरा हर लगे मैं ये धुनिया के भाजी लम नरसिंह पात तो भाजी थकिले मैं एकदम मुसमुसिया जो हो जाए तक मैं धुनिया के भाजी लम ना मुखत चुबाते बेहद लगे बुरा पात हमें यह कोमलिया ना सेटो मैं अलग बेसिके फ्राई कर लैस यह धुनिया के फ्राई कर गल और इतना मैं इतने दीम सूजी सूजी खि दियार पास अलग समय भल्के फ्राई कर लम जैसे मिठा मानने सूजी बनाले
ভাজো ঠিক তেনেকৈ ভাজিলে হৈ গ'ল। আৰু গেছটো মিডিয়াম টু হাই ফ্লেমত ৰাখিব, একেবাৰে কমাই থলে সুজিখিনি কেঁচা কেঁচা ভাবটো থাকি যায়। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ। আপোনালোকে যদি কালাৰফুল খাব বিচাৰে মানে তেতিয়া হালধি দিব পাৰে যেতিয়া পিঁয়াজখিনি ফ্ৰাই কৰে তেতিয়াই, কিন্তু এনেকৈ হালধি নিদিয়াকৈ কালাৰটো ভাল লাগে সেইকাৰণে মই নাই দিয়া। আৰু এতিয়া মই ইয়াতে দি দিছোঁ অকণমান ধনিয়া গুড়ি আৰু বেলেগ একো মছলা ইউজ নকৰোঁ। এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু ফ্ৰাই হৈ যোৱাৰ পাছত ইয়াতে গৰম পানী দিলে হৈ গ'ল। মই যে অথনি ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ বাদামখিনি, এতিয়া মই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ বাদামখিনি দি দিলোঁ। ফ্ৰাই কৰি কৰি চুজি কালাৰটো আপোনালোকে দেখিলে গম পাব, দিওঁতে অকণমান মানে বগা নিচিনা আছিলে আৰু এতিয়া ভাজি ভাজি ধুনীয়াকৈ অকণমান ৰঙচুৱা ভাৱ এটা আহিছে। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ কালাৰটো আহিলে আৰু ধুনীয়া ফুৰফুৰীয়া এটা চুজিৰ পৰা গোন্ধ আহে নহয়, সেই গোন্ধটো আহিলে লগে লগে আমি গৰম পানীখিনি দিলেই হৈ গ'ল। সেয়া আমাৰ চুজি উপমা একদম ৰেডি হৈ গ'ল খাবলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো সিমানখিনিয়ে আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিলে। পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, থেংক ইউ।